हेलो माय डियर कुलीग टीचर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटर जी SCERT वालों इशू हुई है और काफ़ी वो लैटर रिवॉल्व कर रही है। 14-9 VV की वो लैटर है और उस लैटर से एक बहुत नाल तुहानूं एज सच एक गाइडलाइंस दित्तियां हुई है कि गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है जी, उस लैटर च डिस्कस कीतियां हुई है गाइडलाइंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ते बोलना लई है, टीचर्स लई भी है, स्टूडेंट्स लई भी है। एक बहुत अच्छी टीम वालों साड़ी जड़ी है, वो टीम जड़े साड़े अनुवादक ने बहुत अच्छे जड़े SCERT दी टीम ने उन्हू एक सानू उदी एक बहुत अच्छी PDF इशू की है और उस PDF की ओरिजिनल कॉपी तो मैं तुहानू थोड़ी जी गाइडलाइनस जड़ियां हैं वो डिस्कस करना चाहनी हाँ, क्योंकि थोड़ी जी क्लैरिटी की भी उत्थे प्रॉब्लम है, प्लस एवरीथिंग जो आप डिस्कस करना उत्थे मैनशन है। उदे लई थैंक्स है उस टीम का जिन्हें ये बनाई है, जिन्हें गाइडलाइनस साढ़े तक पहुँचाइया है। बेसिकली ये जड़िया गाइडलाइनस है ये MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जड़ा साड़ा ह्यूमन राइट्स जड़ा है उन्होंने MHRD वालों सानू जड़ा है दिती गई है COVID-19 के दौरान कि विद्यार्थी अध्यापक के मुखिया की मद्देनज़र की डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये तर्कश नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हो। वेरी हैट्स ऑफ टू एजुकेशन डिपार्टमेंट तो उन्होंने टीम का। ठीक है ना जी, उन्होंने बारे मैं कुछ डिस्कस कर जा रही हूँ थोड़े ना जी। पहले तो बहुत क्लैपिंग है स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों जिन्हें तर्कश के अंडर ये डिजिटल सिक्ख्या लिए अगवाई जड़ी तैयारी राबता कम सौंपनी ते शाबाश। और उन्होंने जी शॉर्टकट कर लिया जी, तैयारी का तल लिया, राबता का राह ते कम का कक्का ते शाबाश का शर्त, एक तर्कश के रूप के उन्होंने तुहाडे अगे गाइडलाइनस जड़ियां है देतियां। पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब जी। तुहानू पता है किन्ने ही सोशल प्लेटफॉर्म्स के नाल असी बच्चियां नाल जुड़े हाँ, हुणे साडी मापे अध्यापक मिलनी चल रही है। दीज ऑल आर सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्काइप, यूट्यूब, इन्हां सब नाल असी जुड़े हाँ। तो ठीक है जी, इस डिजिटल सिक्ख्या की जिहड़ी जान पहचान है वो बारे मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल डिस्कशन कर जा रही हाँ कि COVID-19 महामारी की साडे रोजाना आम जीवन में बहुत ज़्यादा विघन पै गया है, स्कूलों के काम बंद हो गए हैं, सिक्ख्या के नुकसान नूं थम्मन जां रोकण लई स्कूलों ने ना केवल अध्यापक ते सिखलाई के नवे ढंग तरीके ईजाद करने पैंदे हन, बल्कि जिहड़ी सिक्ख्या नूं घरे बैठी विद्यार्थियों तक पहुँचाना किदां दे वसीले असी खोजे, उहदे बारे असी डिजिटल सिक्ख्या बारे गल कीती है इस लैटर च कि डिजिटल सिक्ख्या ऑनलाइन सिक्ख्या प्रणाली श्रेणी अध्यापन दा बदल नहीं हो सकती, परंतु इस दीआं कई खूबियां भी हन। विद्यार्थी डिजिटल साधन की मदद के नाल अपनी समर्था समय के सौख अनुसार अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट एबसेंट है स्कूल तो उन्होंने दोबारा लैक्चर टीचर नूं सारा बोलना पेगा, पर अगर वो कोई यूट्यूब का लिंक है तो किसी भी टाइम वो लैक्चर देख सकता है, ये भी एक बहुत वड्डी खूबी है। डिजिटल इंडिया मुहिम ने पूरे देश में डिजिटल सिक्ख्या का माहौल बनाता है। आम आम तो थोड़ा पता है जी, दीक्षा एक डिजिटल जड़ा राष्ट्र मंच है जिदे ते एक तुहाडी टीचर्स की ट्रेनिंग भी हुई है, स्वयं चैनल TV और जड़ा थोड़ा पता है एयर CBSE की जड़ी है उहदे ते पॉडकास्ट हो रहे हैं, IIT पॉल, दीज आर चैनल्स, NIUS, ये सारे चैनल है। और इत्थे मैं मैनशन करना चाहनी हाँ कि जड़ा साडा DD पंजाबी ऑफ दैट इज ऑन यू कैन से पंजाबी DD पंजाबी ते साडे लैक्चर्स आ रहे हैं 10th ते 9th ते लगातार, और एक दिन भी ये लैक्चर्स नहीं बंद हो, इवन संडे देयर इज एक्टिविटी। और हुण स्वयं चैनल नूं असी थोड़ा जा चेंज किया है ई विद्या दे नाल, ते ई विद्या 6, 7, 8 ते लैक्चर्स आने शुरू हो गए ने। ठीक है जी, हुण पंजाब दे प्रसंग च असी विचारीए तो तुहानूं पता है जी असी मोबाइल स्मार्टफोन की सही वरतों करन लई प्रेरित किया है। मुखी अध्यापक विद्यार्थियों मापियां नूं डिजिटल तरंगा का चंगा प्रभाव कबूल अते मिशन तर्कश तहत आपो अपनी समर्था विच होर वाधा करनगे, क्योंकि जे अपने तर्कश विच तीर होणगे ते ओह सही निशाने नूं छूए जा सकते हैं जी। तर्कश दे जिहड़े 4 पड़ाव साडी टीम वल्लों दित्ते गए है, पंजाब एजुकेशन दी डिपार्टमेंट दी टीम वल्लों दित्ते गए, SRT दी टीम वल्लों दित्ते गए ने जी, तैयारी
पहला, दूजा राबता, तीजा कम कम सौंपनी, चौथा शाबाश। बेटा जी तैयारी अगर मैं टीचर्स की गल करा तो तैयारी है जी अपने ऑनलाइन ली जड़ा है वो सबक है, ठीक है ना जी। तैयारी करने ढंग सोचने कि किदा असी एफर्ट्स कर सकते हैं, जो असी कर रहे हैं डी डी पंजाबी दे है, जो भी है असी एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है जी। उस तो बाद जो मैं गल करा अगली गल की कि राबता किदा करना, किदा तुम गलबात करनी समझा, और इतने बहुत अच्छा मीडिया जरा यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, चैनल्स से असी पा रहे हैं जी, प्लस थोनों इतने आप टीवी लैक्चर्स दिखा रहे हैं। काम सौंपनी जी जिदा मर्जी असी काम सौंप रहे हैं, थोड़ा कोई भी प्रश्न उत्तर क्वज गूगल फॉर्म, तो शाबाश किदा देनी बेटा जी, थोड़ा हम पता आप ई सर्टिफिकेट इशू करते हैं, है ना, ई सर्टिफिकेट इशू करके आप शाबाश देने, तैयारी राबता काम सौंपनी शाबाश, ठीक है जी। ये जड़ा है हुण जी डिजिटल सिक्ख्या का संकल्प की है ICT, है ना जी। ICT की है जी बेटा, आप बड़ा ये वर्ड यूज़ करते सी कंप्यूटर लई, पर हुण जिहड़ा ICT है इहदा जिहड़ा असली जिहड़ा काम है वह सानू हुण साढ़े काम आया है, क्योंकि हुण साढ़े काम में इसलिए आया है क्योंकि हुण असी कंप्यूटर की जिहड़ी सिक्ख्या है जां कोई भी सिक्ख्या है उहदे नाल ज़्यादा राबता करते हाँ, ठीक है जी। इहदे विच गल है ऑडियो की, वीडियो की, और गल है तुहाडे जिहड़े लैक्चर्स असी तुहानू पहुँचाने हाँ, ठीक है जी। विद्या डिजिटल सिक्ख्या बेसिकली जिहड़ी ICT है वह है जी, आपां कह दिंदे हाँ इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना जी। मतलब इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ते आपां स्ट्रेस दिंदे हाँ, ठीक है, जिस विच अध्यापक विद्यार्थी एक दूसरे के आमने सामने जां कोल नहीं होंदे, सगो किसी आधुनिक डिजिटल संचार राही जिवें कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, TV आदि जरिए दे पढ़न पढ़ाउण दा आहर करदे हन। करोना संकट के मद्देनज़र आपसी दूरी का नियम पालन करन लई आ जी डिजिटल सिक्ख्या के जिहड़े तीन उन्होंने सानू दित्ते माध्यम जी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन माध्यम। कई बार मैं भी यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव लैक्चर्स लाए, दैट इज़ ऑनलाइन कि टीचर इज़ प्रेजेंट देयर तो बच्चा भी उधर सुन रहा, अंशिक ऑनलाइन माध्यम तो ऑफलाइन माध्यम, ठीक है जी। ऑनलाइन माध्यम विच कंप्यूटर, स्मार्टफोन तो इंटरनेट जब लगातार चल रहे हो, ठीक है जी। अंशिक की गल करिए जो कंप्यूटर तो फोन की वरतों तद सिक्ख्या दी दे रही हो जब इंटरनेट कनैक्शन बंद हो, तो ऑफलाइन जो इंटरनेट की सहूलत तो बिना चलन जिमें कि TV रेडियो। देखो बेटा असी ये नहीं कहते कि हर बच्चे को स्मार्टफोन है, असी टीचर्स में भी यही गाइड करते हैं कि इसलिए TV का जिहड़ा माध्यम है, जे TV भी तुहाडे को नहीं अवेलेबल रेडियो का माध्यम है, ये सारे माध्यम राही आप ऑफलाइन जिहड़ी सिक्ख्या दे रहे हैं। जे मैं डिजिटल ते ऑनलाइन सिक्ख्या के पड़ा की गल करा तो डिजिटल ते ऑनलाइन सिक्ख्या के जिहड़े स्टैप्स उन्होंने बनाए है वह बनाए है जी, योजनाबंदी, समीख्या, तरतीब, 8 पड़ाव बनाए हैं जी, अगवाई, गलबात, काम सौंपना, राह, तरीका, प्रशंसा, ठीक है जी। इन्हां नियमों नूं उन्होंने एक सानू एक प्रॉपर गाइडलाइनस दित्तियां है कि सब तो पहला पूरी योजना बनाई जाए कि तुसी की सिखाउणा है। जिदा मैं लाइव लैक्चर्स लए सी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ते, तो मैं पहले PPT तैयार करती सी, जे मैनूं कोई डायग्राम चाहिदा सी वो PPT च मैनशन करती सी। मतलब ये सिलेबस दे अकॉर्डिंग बनाना है, ये टीचर्स लई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। योजना की समीख्या करना भी जरूरी है कि तुसी जी उहदी समीख्या करो कि मतलब किस सही ढंग नाल इह सिखाया जा सकदा है, साधना की आप वरतों कर सकते हैं, कारज में हफ्तावारी, महीना या रोजाना किवें सिखाना है। जिदा जे मैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के चैप्टर के 9 लाइव लैक्चर्स लए सी, 9 लैक्चर्स मैं उन्होंने बदल लिया सी, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगवाई देंदे हुए अध्यापक नूं विद्यार्थियों ते उन्हां दे मापिया दे मनोविज्ञान का ध्यान रखना है। मापिया नूं पता होवे कि उन्हां दा बच्चे नूं मोबाइल फोन ते की सिखाया जाना है, ठीक है जी। संपर्क जां गलबात अगला महत्वपूर्ण पड़ा है, काम तुसी सौंप सकते हो, असाइनमेंट दे सकते हो। अगला पड़ा वो राह जां ढंग तरीका है जिस राही बच्चे अपना कीता काम तुहाडे तक पहुँच जाण, जिदा कि फोटो खिंच के तुहानूं सेंड कर देण। शाबाश जां प्रशंसा आखिरी पड़ा है जिहड़ा तुसी देना ही देना है, ठीक है जी। ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगे गल करते हैं आपां, अगे आपां गल करते हैं जे ते आपां स्कूल मुखी अध्यापकां ते मापिया दे विद्यार्थियों लई की दिशा निर्देश है जी। स्कूल मुखी जिहड़े है उत्साहवर्धक पहुँच अपनाते हुए अपने अध्यापकां विद्यार्थियों के मापियों नाल संपर्क रखन। मुखी ते अध्यापक ये सुनिश्चित करन कि उन्हां दे बच्चियां कोल कि डिजिटल सहूलत उपलब्ध है जां किवें हो सकती है। ये भी ख्याल रख्या जाए कि डिजिटल लैक्चर लोड़ तो वध लंबा
ना हो। ठीक है जी विद्यार्थी, जिदा असी टीचर्स बिंग टीचर्स असी आप टीवी लैक्चर्स तैयार करते हैं तो तुम देखिए कि तुम्हें ड्यूरेशन दी जाती है 25 to 28 मिनट। तुम जे अपने वालों कोई एफर्ट कर रहे हो तो तुम भी जी कोशिश यही करो कि लैक्चर्स बहुते लंबे ना हो जे मतलब टीचर्स नगे कि मतलब टीचर्स नगे कि स्टूडेंट्स नगे कि लैक्चर लोड नालों जोड़ा है वो लंबा है। अच्छा जी एक गल होर है लैक्चर्स जोड़े है अगर तो मतलब उन्होंने एक्टिविटीज़ वगैरह जिदा साइंस के मैथ्स के तो वह बहुत वधिया गल होएगी। एक गल है कि 9वीं ते 12वीं विद्यार्थियों लिए 40 to 45 मिनट के लैक्चर रोजाना 4 to 8 ही हो ठीक है ना, विचकार बच्चों को वाद विवाद गल करन दा मौका दिता जा सकता है। ये जूम मीटिंग राही भी हो सकता है टीचर्स लिए, दिस इज थिंग द जूम मीटिंग लिए भी हो सकता है। इस तो इलावा विद्यार्थियों के घर की हालात सुरक्षा यकीनी बनाए जिमें कि बिजली उपकरण है इंटरनेट संबंधी सुविधा है, ये गल्लां जिहड़ियां है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी ये सी मतलब हुण तुसी दिस इज अ जिहड़ी टीम ने तैयार किया है ये उन्होंने वैसे बहुत ही ज़्यादा शाबाशी है क्योंकि उन्होंने सानू डायग्राम्स राही चित्रां राही ये दस्या है कि डिजिटल सिक्ख्या दौरान शरीरक ते मानसिक सेहत संबंधी अगवाई ली जिदा कि विद्यार्थी नू डिजिटल सिक्ख्या प्राप्त करते हुए अनेक सावधानियां अपनानिया चाहिए, सही पोस्चर्स दिते हुए है बच्चों भी तुम दस सकते हो, उन्होंने ये भेजो कि मेज कुर्सी की सही स्थिति सीधे बैठना बिकॉज बहुत ज़्यादा जो आप नीचे वेखते हैं तो सर्वाइकल्स वर्गिया प्रॉब्लम्स आदि हैं। ठीक है तंदुरुस्ती लिए योगा कसरत करन बच्चे चुस्त फुरतूले बने रहन। ठीक है जी आ सानू पोस्चर्स दिते है जी, दिस इज़ द राइट पोस्चर्स। ठीक है बच्चा इदा ना पढ़े, दिस इज़ द रोंग पोस्चर, दिस इज़ द राइट पोस्चर। और यूजअली असी इदा ही फोन देखते हैं, नॉट इवन द स्टूडेंट्स इवन टीचर्स भी। ठीक है ना तो आ पोस्चर्स दिते सानू, ठीक है दिस इज़ द राइट पोस्चर कि किदा ऑनलाइन आप स्टडी करनी है और जिहड़ियां सानू इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आन। आ भी देखो जी रोंग पोस्चर है एंड दिस इज़ द राइट पोस्चर, मतलब तुसी अगे नू झुक के नहीं करना। ठीक है जी आ भी पोस्चर सानू दिते है जी अगे, दिस इज़ द रोंग पोस्चर, दिस इज़ द राइट, दिस इज़ ऑलसो रोंग, दिस इज़ राइट पोस्चर। आओ एक डिस्टेंस मेनटेन करना बुक के अपने तो मोबाइल के अपने। मानसिक तंदुरुस्ती लिए इंटरनेट की गलत वरतों तो बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, बच्चे उत्साहित करो बेटा। अध्यापक ये भी नोट रखन कि विद्यार्थी तनाव निराशा तो होर मानसिक समस्यावान तो जड़ा है बचे हो। दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शनस गिवन बाय MHRD जड़ा डिपार्टमेंट है उन्होंने मतलब क्योंकि हुण करोना के दौरान काफ़ी देर हो गई है, इवन मतलब जिहड़ा साडा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट है जिहड़ा उन्हें काफ़ी देर तो ये इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां है वो दित्तियां है ते कि मतलब बच्चों ऑनलाइन स्टडी कराने लिए की करना है। ऑनलाइन विहार यू नो नेटिक्यूटी ऑनलाइन ऑनलाइन बिहेवियर की अगर आप गल करिए व्हाट्सएप फेसबुक ते होर सोशल मीडिया ते ध्यान रखने वाली गल कि किसे नाल गल करन समय नरमी नाल गल करो, सॉरी ते प्लीज़ की वरतों करो, रिप्लाई की वेट करो, सोच विचार के लिखो, लैंग्वेज का ध्यान रखो बिकॉज टीचर्स ते स्टूडेंट्स एक बहुत ही जिहड़ा बहुत नाजुक रिलेशन है टीचर ते स्टूडेंट्स का और ये लैंगुएज जिहड़ी मैटर करती है। कई बार टीचर नूं हुंदा कि बच्चा ये काम करे पर स्टूडेंट्स को सोर्सिज नहीं है, तो मैं भी बींग अ टीचर यही थोड़ा कहांगी कि उत्थे लैंग्वेज की जिहड़ी नरमी च वरतों रखो। ठीक है जी कुछ भी पोस्ट करन तो पहला एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया जाए कि पोस्ट फेक तो नहीं, जो तुसी शेयर कर रहे हो तो गलत तो नहीं, स्पैलिंग सही हैं, पंचुएशन मार्क सही है, तुहाडी ID सही है, एक समय तो ज़्यादा कुछ तो पोस्ट नहीं कर रहे, तुहाडे शब्दों की चोन सही है। ठीक है ना दीज ऑल थिंग्स आर जिहड़ी है ये थोड़ी मिसलीनियस चीज़ें कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो, दूजिया की फीलिंग्स ओपीनियन की रिस्पैक्ट करो, किसी को वार बार फोन करके परेशान ना करो। कई बार पेरेंट्स भी इरीटेट हो जाते हैं, कई बार टीचर्स भी हो जाते हैं। ठीक है ना हैल्दी डिस्कशंस डिस्करेज कर इनकरेज करो, कॉन्ट्रावर्शल इशूज़ तो बचो, तो ज़्यादा उत्ते गल कर जी है मतलब जरूरी नहीं है। दीज आर द इंस्ट्रक्शनस गिवन बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जड़ा है। ठीक है जी अगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिज काफ़ी इस वैब लिंक दिते बहुत वधिया कि डिजिटल सिक्ख्या की महत्ता देखते हुए मतलब सिक्ख्या जारी रखने वक् वक् उपराले किए गए हैं। डिजिटल सिक्ख्या घर घर पहुँचाने 17 मई 2020 तो प्रधानमंत्री ई विद्या
प्रोग्राम की जी शुरुआत की गई तो देश भर च पढ़न वाले तकरीबन 25 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुँचाया गया। स्वयं प्रभा, स्वयं आकाशवाणी, शिक्षा बाणी वर्गे बहुत सारे प्रोग्राम शामिल किए गए। नो डाउट नैशनल लैवल्स से तो काम किया गया। इन यू कैन से कि मतलब इंटर स्टेट लैवल्स से भी काफ़ी काम होया, ठीक है ना जी। तो आ बहुत सारे लिंक ये दिते हैं जेडे कि प्लेटफॉर्म ने वैब लिंक्स उन्होंने प्रोवाइड किए गए है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दीक्षा, दीक्षा ऐप ऑफ फॉर मोबाइल, स्वयं, स्वयं प्रभा, मतलब इन्होंने सब दिया जड़िया साइट्स है वो मैनशन, ई पाठशाला, ई पाठशाला मोबाइल ऐप, खान अकैडमी, खान अकैडमी मोबाइल ऐप, कई स्कू टीचर्स कई स्कूल्स में भी ट्रेनिंग दी गई है। इस तो अलावा जे तुम कहो डी डी पंजाबी चैनल चल रहा है जी, तो पता है एफ एम 91.2 रेडियो के वक्रे वक्रे जड़े है वो आ रहे हैं। डिजिटल सिक्ख्या प्राप्त करने लिए इंटरनेट एक वरदान साबित हो रहा है, उत्थे ही अपने बच्चों को समाज विरोधी तत्तों तो भी बचाना ऑल दिस साड़ी ही ड्यूटी है, ठीक है जी। अजिहियां गल्लां वल ध्यान विच रखते हुए साइबर सिक्योरिटी मैनुअल नूं पढ़न दा मशवरा समूह अध्यापक, माता पिता ते विद्यार्थियों नूं दित्ता जांदा जी। साइबर सिक्योरिटी मैनुअल दा भी इच जी लिंक पाया गया है जे तुसीं कदी उत्थे उन्हां दी गल करनी। सब तो वड्डी गल जिहड़ी सिक्ख्या विभाग पंजाब दी ऐप है पंजाब एडूकेयर, बार बार असीं कह रहे हां पंजाब एडूकेयर ऐप, पंजाब एडूकेयर ऐप, पंजाब एडूकेयर ऐप, इनू डाउनलोड करो जी। एदा भी लिंक इत्थे दिता गया है कि ये बहुत अच्छा उपराला, इत्थे काफ़ी वीडियोज़ लैक्चर मेरे भी ने, ठीक है ना, तुसी देखो इन्हों। एंड एक बहुत अच्छा जड़ा जी माध्यम, एक जो मैं बोलिया है सारा उन्हों एक फॉर्म दे विच दिता गया है कि डिजिटल सिक्ख्या इज इंटरनेट उपलब्ध है, इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन ढंग है ना जी। जो जी इंटरनेट उपलब्ध है तो ऑबवियस है वो साडा ऑनलाइन ढंग है, तो इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो वो साडा ऑफलाइन ढंग है जी, ठीक है। दिस इज़ ऑनलाइन, दिस इज़ ऑफलाइन, ठीक है जी। ऑनलाइन च आपां गल करिए तां इंटरनेट सेवा लगातार है, इंटरनेट सेवा लगातार नहीं है। जे लगातार है तो सिनकुरो ढंग दिते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, जिदा मैं कर रही सी यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, कुछ भी तुसी यूज़ कर सकते हो। जे इंटरनेट सेवा लगातार नहीं है तो यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, वट्सअप, लर्निंग मैनेज, जिमें गूगल क्लासरूम, पंजाब एडूकेयर ऐप, तुसी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जे हुण तुहाडे कोल ऑफलाइन ढंग है तो बिजली यंत्र उपलब्ध है जी, समूह सिक्ख्या के प्रोग्राम, रेडियो प्रसारण देख सकते हो, तुसी डीडी तुसी टीवी लैक्चर्स देख सकते हो। बाई चांस तुहाडे कोल टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, तो फिर तुसी की करोगे? फिर बड़ी ग्रुप का गठन होएगा, सिक्ख्या देने लिए समाजिक थावां की वरतों की जा सकती है। दीज ऑल आर द सोल्यूशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन दिस PDF, और ये बहुत ही अच्छा उपराला पंजाब एजुकेशन की SCERT टीम ने जड़ा किया है, जिन्हों की हैल्प के नाल असी इन्ना कुछ अज सीख लिया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो आप उम्मीद करते हैं कि मतलब स्कूल सिक्ख्या विभाग के यहो जे उपराले सानू समय समय से बहुत काम आएंगे। तो जड़ा तर्कश ये सानू एक दिता गया है तैयारी राबता काम सौंपनी, शाबाश। मैनू लगता है कि सारे टीचर्स इतने बहुत वर्कआउट करेंगे, ये लैटर बहुत कामयाब होएगी फॉर द गाइडलाइंस बाय MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिवेलपमेंट। तो उम्मीद कर दी हाँ कि तुहानू थोड़ी जी इस लैटर बारे थोड़ा क्लीयर आउट होया कि वट डिपार्टमेंट वॉन्ट्स फ्रॉम अस, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो के नाल। वीडियो जे अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो, चैनल में सबसक्राइब करो ताकि समय समय से तुहानू नोटिफिकेशन्स मिलन फरदर मोर वीडियोज़ लई। टिल दैन गुड बाय, टेक केयर।